देखिए जी योगा, पीछे से जाएं कि उधर से जाओ। प्रचोदया धन्यवाद। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाजयेत्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्यो मोक्षे शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्प शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरे नीचे श्वास के साथ क्रिया जुड़े फेफड़े विकसित होंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी। रिवर्स धीरे से वापिस झूला दाएं बाएं गर्दन उठाए साथ साथ दाएं ओर देखे बाईं ओर देखे सर्वाइकल के लिए बहुत उत्तम नियम। जिनके कमर में दर्द है कृपया वो अपना ध्यान रखें, हाथ कमर पर दोनों हाथों के हथेलियों को मिलाएं। ये बैक पर दिक्कत नहीं है, बैक पर धीरे से गर्दन पीछे करते हुए पीछे झुके, गर्दन इसी स्थिति में रहेगी आगे झुके। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं पीछे आगे, फिर गर्दन पीछे रहेगी और बाजू के बीच में फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करें। गर्दन पीछे करते हुए आगे पीछे,
ऊपर से पकड़ना है, जो कर सकते हैं हाथों को पांव के बीच में ले जाए, धीरे धीरे वापस। दूसरा ये अंगूठे को देखें, कमर से नीचे का हवा स्थिर, श्वास छोड़ते मत हमें हो जाए वापिस। दूसरा सांस को बाहर करते हुए कानों के साथ इसको ऐसे पकड़ के बस करना तो नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आप दृष्टि अपनी स्थिर कर दीजिए किसी एक बिंदु पर, मन बुद्धि भी स्थिर है। किसी भाव को मन में लाइए कि समृद्धि बेटा में उठकर आप ले जाना चाहते हैं, लेकिन आज जब जो दिन होता ना ये होता उस सबका दिन, उसको मन में भाव है। आँखें बंद कीजिए, आँखें बंद करके इस मान को अपने मन में लाइए और थोड़ा थोड़ा मुस्कराइए, ऐसे अच्छे बात जब करते हैं तो मुस्कराहट बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी मुस्कराहट लगे चेहरे पर थोड़ी थोड़ी। अब नस्ती से मजे से आप भी कहीं रह सकते। इसको क्या कहते हैं, मैन माइनस माइंड इज गॉड इज मैन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका थोड़ा सा आज अनुभव करो। बात यहां पर आती है, क्या श्वास की कोई महत्ता है? श्वास के बिना जीवन है ही नहीं। श्वास एक वो सेतु है जो आपके शरीर और मन को जोड़े हुए है। अगर श्वास नहीं, शरीर भी नहीं और मन भी नहीं। इसलिए श्वास रिप्रेजेंटेटिव है, वो कोऑर्डिनेट करता है दोनों को। आइए थोड़ा सा उसको ठीक करने पहले, क्योंकि मेरे को समय बहुत कम मिला है, गाड़ी ऑलरेडी 10-15 मिनट लेट है। थोड़ा सा मैं कम समय लूंगा, जैसे भी आप कहोगे। आइए थोड़ा सा वो बात जाने, ब्रीथिंग सिस्टम यू कैन करेक्ट योर एलमेंट। ये किसी ने क्यों कहा, ब्रीथ प्रॉपर लिव प्रॉपर। अगर ब्रीथ प्रॉपर नहीं आई हो गया, वो शांत हो गया, वो स्वस्थ हो गया। अगर सांस लेना नहीं आ रहा तो आदमी यहां से विदाई, पश्चाताप, कंप्लेक्स, रिग्रेट उसमें ले लेता है। इसलिए आज थोड़ा सा एक संकल्प करते हुए मुझे आपका सांस ठीक कराना है।
सांस ठीक, इफ यू ब्रीथ प्रॉपर, लिव प्रॉपर, करेक्ट योर ब्रीदिंग सिस्टम, करेक्ट योर एलिमेंट, श्वास की सब कुछ है। कैसे? थोड़ा सा इसकी जानकारी दे चुकी। अगर आपने 2 करोड़ की गाड़ी ले ली, दिल्ली जाना है आपको, आगे वाले पहिए में हवा कम है, जर्नी बिकम अनकम्फर्टेबल। और ऐसे ही जीवन रूपी यात्रा, अगर आपका वायु जो श्वास है अगर प्राण नहीं है ठीक, तो जर्नी बिकम अनकम्फर्टेबल। रोग, चिंताएं, तनाव, क्योंकि 95% जो रोग है वो आप तब आगे की बात आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए नेचुरल हो गया और करूं सांस की बिना आप नहीं रह सकते या कभी भी नहीं, क्योंकि आपके पास श्वास फूल है, परंतु श्वास इज ए व्हीकल एंड द प्राण इज ए राइडर। अगर श्वास भी नहीं है, ठीक नहीं है, तो प्राण भी ठीक नहीं है। आइए उठना, धीरे से क्रॉस द लेग्स, चेहरा सामने की ओर, आंखें बंद, अपने श्वास के प्रति जागरूक हो जाओ। क्लोज राइट, काइंडली क्लोज राइट, और जल्द, क्योंकि समय कम है, मुझे अनुभव करवाना आपको। क्लोज राइट, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि वेदानेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा नान्यपन्था विद्यते अनाया वेदानेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसापरस्ता समे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नान्यपन्था विद्यते। प्रभु नारी हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनके जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बनके जिंदगी गुजारिए। 2 पंक्तियां सब लोग मिलकर बोलेंगे, क्योंकि योगी की पहचान है चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर प्रेम, मधुरम वदनम मधुरम चलनम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिसके भीतर मधुरता भरी हो वो योगी है। यदि आपके भीतर मधुरता नहीं भरी हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, तो समझिए अभी आप योगी नहीं है। व्यवहार मधुर, चलना मधुर, बोलना मधुर, यह भाव लेकर आप आगे बढ़ेंगे। और हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, बैठ जाओ, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए
गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। ये कुछ लोग तो हरे हरे कपड़े डाल के बैठे, पता ही नहीं चल रहा कि इनका बहुत बहुत अभिनंदन। व्यवहार का, मधुरता का, योग का, आप सबको आपके भीतर बैठी हुई उस ब्रह्मचर्य का तो बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आयुष जी, बहुत ही सुंदर वास्तविक संबोधन के लिए। अब मेरा निवेदन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाजयेत्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्यो मोक्षे मामृता।